पंजाब यूनिवर्सिटी के स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर में तैनात एक महिला प्रोफेसर ने पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एडीजीपी ईश्वर चंद शर्मा के बेटे आदित्य शर्मा पर शारीरिक और मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पिछले काफी समय से होशियारपुर शहर में साहिब बीबी के मामले में शामिल हाल ही में जालंधर में तैनात हुए डीसीपी नरेश डोगरा पर भी इस महिला प्रोफेसर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएसपी होशियारपुर गौरव गर्ग ने जांच महिला एसपी मंजीत कौर को सौंपी है। वहीं पंजाब राज्य महिला कमीशन ने 24 सितंबर 2019 को जांच के लिए आदित्य शर्मा और डीसीपी नरेश डोगरा को चंडीगढ़ तलब कर लिया है। महिला कमीशन ने फिलौर अकामदी के डायरेक्टर को आरोपियों को पेश करवाने को पत्र लिखा है। आदित्य शर्मा पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। उनकी फिलौर एकेडमी में ट्रेनिंग चल रही है। डीजीपी को भेजी शिकायत, कहा केस की बजाय जांच हो रही। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर ने पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता के साथ साथ कई पुलिस अधिकारियों को एक 3 पेज की लिखित शिकायत भेजते हुए इस महिला प्रोफेसर ने पंजाब पुलिस के एडीजीपी ईश्वर चंद शर्मा के बेटे आदित्य शर्मा और जालंधर के डीसीपी नरेश डोगरा पर आरोप लगाए हैं। असल में आदित्य शर्मा पंजाब पुलिस में हाल ही में सब इंस्पेक्टर के तौर पर फिलौर एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं और पहले स्वामी सर्वानंद गिरी पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर के लॉ कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। जो शिकायत इस महिला प्रोफेसर ने दी है उसमें उसने कहा है कि आदित्य शर्मा ने उसे शादी के लिए रिलेशन बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें पता चला कि वे उन्हें धोखा दे रहा है क्योंकि उसने उसके फोन में कई महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें थी और मेरी प्राइवेट फोटो भी मांग रहा था और वे लगातार 2.5 साल उनके ऑफिस और उनके घर आता रहा और पिछले साल से ही उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था और वह अब 7 और 8 सितंबर को लगातार उनके घर पर आकर धमकियां देता रहा और 8 सितंबर को ही आदित्य ने मेरे साथ मारपीट की और बाद में महिला ने कहा कि वह 9 सितंबर को सिविल अस्पताल होशियारपुर में दाखिल हुई। उसने आरोप लगाया कि उसने मानसिक और भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल किया और उसने कहा कि आदित्य के पिता पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी रह चुके हैं और उस रुतबे की भी उन्हें धमकियां मिलती रही। मारपीट के बाद होती है डीसीपी डोगरा की एंट्री। जालंधर में तैनात डीसीपी नरेश डोगरा पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। महिला प्रोफेसर ने कहा कि 9 सितंबर सुबह 10:15 के करीब डीसीपी नरेश डोगरा, जिन्हें वे डीएसपी डोगरा बता रही हैं, सुबह आदित्य शर्मा के साथ उनके घर पर जाते हैं और कहा कि वे आदित्य के दोस्त हैं। उस समय डोगरा की मौजूदगी में ही धमकी दी कि वे उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत न दर्ज करवाए, इसके नतीजे गंभीर होंगे, और उस समय कह रहा था कि नरेश डोगरा को तुम अभी स्टेटमेंट दो कि वे उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक शिकायत नहीं करोगी। महिला प्रोफेसर को नहीं जानता डोगरा। जब डीसीपी नरेश डोगरा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे किसी भी महिला प्रोफेसर को नहीं जानते और न ही वे किसी महिला के घर मिलने गए हैं, न ही उन्होंने किसी को धमकी दी है।